राजनीतिक जगत के लिए शोक का दिन, नहीं रहे झामुमो के कद्दावर नेता साइमन मरांडी। नमस्कार, मैं हूँ राखी रक्षा और आप देख रहे हैं जीएन भारत। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, सपा पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष साइमन मरांडी का निधन हो गया है। बीते एक महीना से साइमन मरांडी बीमार चल रहे थे, जिसके बाद उन्हें कोलकाता के टैगोर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनकी स्थिति लगातार नाजुक बनी हुई थी। सोमवार की रात को साइमन मरांडी ने कोलकाता के टैगोर हॉस्पिटल में अपनी अंतिम सांस ली। साइमन मरांडी के निधन की खबर से पूरे राजनीतिक जगत में शोक की लहर फैली हुई है। साल 1977 में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करते हुए साइमन मरांडी ने अपना पहला चुनाव निर्दलीय लड़ा था। झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर राजमहल की सीट से सन 1989 और सन 1991 में वे सांसद भी रहे। हेमंत सोरेन की सरकार में वर्ष 2013 में उन्हें मंत्री भी बनाया गया। इसके अलावा साइमन मरांडी 5 बार विधायक भी रह चुके हैं। साइमन मरांडी के निधन पर शोक जताते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि साइमन दादा, आप हमें बहुत याद आएंगे, आपका प्यार और तकरार भूल नहीं पाएंगे। शाम की वो रोशनी, दिल्ली की मस्ती, जिंदा दिल इंसान थे आप एक हस्ती। पिता के उम्र में भी आपने सदैव मित्र माना, मुश्किल वक्त में साथ खड़ा रहना आपसे जाना। भावनाओं और परिस्थितियों के उबाल कभी आप रोक ना पाए, सुनी दिल की राजनीति के दांव पेच भी आजमाए। संथाल परगना में आपकी दहाड़ अब सुनाई ना देगी, आपके जाने की कसक और पीड़ा सदैव मन में रहेगी। मिल रही जानकारी के अनुसार 14 अप्रैल यानी बुधवार को साइमन मरांडी के डिट्टीपाड़ा प्रखंड के ताल पहाड़ी डुमरिया स्थित उनके पैतृक गांव में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें जीएन भारत के साथ। धन्यवाद।